टुडेज टॉपिक इज एंटी मलेरियल और ये भी हम फार्माकोग्नोसी में डिस्कस करेंगे। एंटी मलेरियल तो एंटी मलेरियल में जो फार्माकोग्नोसी में मिली हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जो भी इसमें प्लांट्स आएंगे उनके हम सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स, उसका यूज एंड केमिकल कंस्टेंट, इस पर हम ध्यान देंगे। तो क्या होते हैं एंटी मलेरिया? तो एंटी मीन्स अगेंस्ट और मलेरिया के अगेंस्ट जो ड्रग काम करती है या उससे ट्रीटमेंट या उसको रोकने के लिए, मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है, उन्हें हम कहते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। जो मलेरिया होता है वो मलेरिया इज अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन बाय फोर स्पीसीज। चार स्पीसीज होती है जिसकी वजह से मलेरिया हो सकता है। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओविल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। लेकिन जो डिजीज ट्रांसमिट होती है ह्यूमन बॉडी में वो किसके बाइट से होती है, किसके काटने से होती है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के। नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा है वो सिंकोना। सिंकोना का सिनोनिम होता है एडजस्टेड बार्क, परवियन बार्क। फैमिलीज की होती है रूबिएसी एंड बायोलॉजिकल सोर्स इज सिंकोना कैलिसाया वेट। तो ये किससे मिलता है? ड्राइड बार्क से मिलता है इस प्लांट के। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर में ऐसा कलर अडर टेस्ट की बात है तो कलर इसका ब्राउनिश ग्रे टू व्हाइट होता है, अडर इसका स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है, टेस्ट इज बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट होता है। नेक्स्ट केमिकल कंस्टेंट की बात करें तो मेनली इसमें एल्कलाइड्स पाए जाते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 30 एल्कलाइड्स इसमें पाए जाते हैं। जो एल्कलाइड्स है कौन से? क्विनिडीन, क्विनीन, सिंकोनीन एंड सिंकोटैनिक एसिड। यूजेस की बात करें तो ये इसे हम यूज करते हैं स्टोमैकिक स्टमक पेन में एंड टॉनिक। ट्रीटमेंट ऑफ एंटी मलेरिया हम यूज करते हैं एंड एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज करते हैं, एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज करते हैं और इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया में भी हम यूज करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सिंकोना। नेक्स्ट ट्रैक हमारी एंटी मलेरिया में है आर्टिमिसिया, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू।